हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनू एंड वेलकम बैक टू लर्नर्स पार्क। तो आज हम करेंगे जेनेटिक्स के कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि हम सीरीज में कुछ कुछ क्वेश्चन कर ही रहे हैं। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द टोटल वेरियंस ऑफ अ फिनोटिपिक करेक्टर, मतलब टोटल वेरियंस बताई गई है वह फिनोटिपिक करेक्टर की, जो कि उन्होंने कहा है कि स्प्लिट होती है इंटू टू कम्पोनेट्स। ठीक है, वन इज द जेनेटिक कम्पोनेंट एंड अदर इज एनवायरमेंटल कम्पोनेंट, जिसे इन्होंने क्या है वेरियंस में है तो इसे वीजी से भी नोट करते हैं। क्या है, एक है जो जेनेटिक है, एक है जो इन्वायरमेंटल दिया हुआ है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है कि हेरिटेबल कोफिशिएंट क्या होगा उसका, मतलब एच स्क्वायर क्या है। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, इसमें चार ऑप्शन दी होगी और हमें फॉर्मूला देखना होगा कौन सा सही है। तो इसका फॉर्मूला हमें देखते हैं दो ऑप्शन में से कि कौन सा होगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमें दी गई है ये, और बी ऑप्शन क्या है, वेरियंस ऑफ जेनेटिक माइनस वेरियंस ऑफ इन्वायरमेंटल। तो हमें बताने की हेरिटेबल कोफिशिएंट अगर निकालना हो तो सही फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, तो हमें पता है कि हेरिटेबल कोफिशिएंट का मैं जेनेटिक्स से पढ़ी थी उसके टाइम किया था कि क्या फॉर्मूला होता है कि जो वेरियंस क्या है जेनेटिक क्या है ओवर जो टोटल वेरियंस है, मतलब जो जेनेटिक का भी है और इन्वायरमेंटल का भी। तो ये तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है न्यूरोस्पोरा का, मतलब तो हम देखते हैं किस तरह है। इन न्यूरोस्पोरा एक क्रॉस बिटवीन जीनोटाइप ए एंड ए, हमारे पास क्रॉस हुआ है दो एलील्स के बीच, जो क्या है एक कैपिटल से रिप्रेजेंट करे एक स्मॉल से। ठीक है, रिजल्ट इन एन एस्कस विद एस्कोस्पोर्स ऑफ जीनोटाइप, जैसे हमें शो किए हुए इस तरह का हमें रिजल्ट फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, और हमें ये चीजें बता दी गई, हमें पता करने की कौन सी सही है। तो फर्स्ट इन्होंने कहा है कि क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन, क्या ये हमारे पास जो आया है ठीक है इसके ऊपर क्रॉसिंग हुई भी है। अगर यहाँ पे हमने सेपरेटेड एनालिसिस किया था, हमें अगर याद होगा आप लोग को, तो हमने किया था कि अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो, अगर यहाँ पे हम सपोज करें पूछें कि क्रॉसिंग ओवर हुई भी है बिटवीन द क्रोमोसोम एंड द जीन, अगर क्रॉसिंग ओवर वहां पे नहीं होती तो हमारे पास रेशो क्या आती होती थी वहां पे 4:4, मतलब हमारे पास जो भी एलील होंगे तो उनकी रेशो आएगी इस तरह से होनी चाहिए थी। ठीक है, बट क्या हमारे पास रेशो इस तरह से है? नहीं, हमारे पास रेशो किस तरह से है, 2 ये है उसके बाद 4 ये है और उसके बाद ये, हमारे पास रेशो इस तरह से है। तो इट मीन्स क्या है, क्रॉसिंग यहाँ पे हुई हुई है, क्योंकि अगर क्रॉसिंग ना होती तो हमारे पास ये रेशो आती। ठीक है, मतलब ये तो हुआ हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ए एंड ई इन मियोसिस वन, मतलब कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन है, हमने जब किया था ऑर्डर जो कहा था पैटर्न एनालिसिस में, कि उसमें जब सेग्रीगेशन होती है मियोसिस वन में अगर हुई हो तो किस तरह की रेशो आती है, और सेग्रीगेशन ऑफ एलील ए एंड ई इन मियोसिस टू में आती है तो किस तरह की रेशो आती है। अगर तुम्हारे पास क्या था यहाँ पे, सेग्रीगेशन क्या होती, वन होती, तो वहां पे हमारे पास क्या बनता था, सेग्रीगेशन वन में मियोसिस के अकॉर्डिंग 2:2:2 इस तरह 2 आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास रेशो आ रही है 2:4:2, तो मतलब इसकी सेग्रीगेशन जब हुई हुई है वो मियोसिस 2 के बाद हुई है, जो कि हमारे पास 2:4:2 आई है। ठीक है, तो हमारे ये भी सही हो गया जो आर थी ऑप्शन, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ए एंड ए इन मियोसिस 2। ओके, उसके बाद हमें कहा है कि असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स ये हुई भी है, असॉर्टमेंट इस तरह से इंडिपेंडेंट है, हम कह सकते हैं नहीं इस तरह से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारी कौन सी सही हुई, ए। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होगा पी फॉलोड बाय आर, मतलब पहले हमारे क्या होगा इनमें क्रॉसिंग ओवर होगी, उसके बाद ये सेग्रीगेट हुए हैं थ्रू द मियोसिस 2। ठीक है, अगर हमारे पास यही चीज रेशो कोई और आई होती, इसकी जगह हमारे पास क्या आया होता, कुछ और रेशो आई होती, जैसे हमारे पास ये होने की बजाय अगर 4 इस तरह से ये आती तो हम क्या कहते, तो हमारे पास अगर इस तरह से मतलब क्वेश्चन आता तो हम कहते कि क्रॉसिंग ओवर हुआ हुआ है, अगर इस केस में आता है तो नहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, सेग्रीगेशन इस तरह से हुआ है मियोसिस 1 में 2 में नहीं। ठीक है, तो हमारे पास ये रेशो आई थी 4:4:4, मतलब यहाँ पे क्या था, हम कहते कि ऑप्शन होती क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे नहीं हुआ हुआ, नो क्रॉस ओवर बिटवीन द क्रोमोसोम एंड द जीन। हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, हमें कहा हुआ है कि दो प्लांट्स है हमारे पास, एक क्या है टॉल है और एक क्या है जो ड्रॉप प्लांट है, उनके बीच में क्या हुआ हुआ है क्रॉस हुआ हुआ है, क्रॉस करने के बाद ठीक है जब भी आ जाएगा एफ वन हमारे पास क्या आई है, सारे के सारे क्या आए हुए हैं टॉल आए हुए हैं प्लांट्स। ठीक है, जब क्या होता है इसका सेल्फ क्रॉस होता है, उसके बाद क्या है इसका क्या होगा हमारा, जो इसका सेल्फ क्रॉस होगा उसके बाद क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे आउट ऑफ थ्री मतलब रेशो हम अगर कहें 3 पिक करें, उसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी
कि हमारे जो टू एम्प्लांट्स वो क्या है, ड्रॉफ आए, ठीक है, और जो एक प्लांट है वो क्या है, टॉल आए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो बाइनोमियल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आउट ऑफ थ्री का है, हमें नहीं पता कि पहले थ्री या मतलब कौन सा पहले टॉल आएगा या पहले ड्रॉफ आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम बाइनोमियल यूज करेंगे। तो बाइनोमियल निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, उस दिन हमने पहले भी देखा हुआ जो, तो फर्स्टली यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेशो देखते हैं जो क्या होती है, पी रेशो। यहाँ पे क्या हो, अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे एन माइनस एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, और साथ में यहाँ पे एन होगा का एन माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है। तो ड्रॉप आने की प्लांट की क्या पॉसिबिलिटी है, अगर इसका हम क्रॉस करेंगे इस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तीन तो हमारे पास क्या आएंगे, जिनका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा, और एक होगा जो क्या है, ड्रॉप, मतलब 1/4 प्रोबेबिलिटी है ड्रॉप आने की, और 3/4 है जो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जो टॉल आने की। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एन कितने हैं, टोटल हमारे पास 3 है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। एक्स कितना आ जाएगा, एक्स मतलब जो हमने कहता कि आउट ऑफ 3 2 हमारे ड्रॉप आए, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एन माइनस एक्स, ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद देखेंगे कि ड्रॉप आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितनी है, 1/4, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो एक्स दी गई है हमारे पास क्या है वो 2, और एन माइनस एक्स क्या है हमारे पास 1, ठीक है, एन माइनस एक्स 3 माइनस 2 यहाँ पे 1 आ गया। तो उसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आ गया 3 फैक्टोरियल आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3 × 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल यहाँ से कट हो जाएगा, ये 1 फैक्टोरियल 1 ही होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 3। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1/4 × 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये चीज आ गई हमारे पास, 3 × 3 आ जाएगा यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 4 16 × 4 64। तो इस तरह से मैं ऑप्शन दी होंगी 4, तो उसमें से एक जो आएगी 9/64 वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आज से ये जेनेटिक के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर में ही आए हुए हैं। मैं होप करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन आएगा, उसे जरूर दबाएं, उससे अगर चैनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।